जा रहा है, आपसे सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो आप बैंक ट्रांसफर, पेटीएम या यूपीआई के द्वारा दान कर सकते हैं, और यह दान इनकम टैक्स के आयकर धारा 80G के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ भी ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमस्कार, दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भैरव सुरक्षा बीज मंत्र की चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि भैरव सुरक्षा बीज मंत्र क्या होता है और मनुष्य को इसका क्या उपयोग है। अगर हम भैरव की बात करें तो भैरव को सुरक्षा गार्ड कहा जाता है। ये चारों तरफ से मनुष्य की सुरक्षा करते हैं और भैरव का नाम लिए बिना तो कोई देवी प्रसन्न भी नहीं होती, इसलिए भैरव की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। भैरव को कुछ लोग सोचते हैं कि इनका जाप नहीं करना चाहिए, इनकी पूजा घर में नहीं की जानी चाहिए, तो ये एक गलत अंधविश्वास है। कोई भी व्यक्ति, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, भैरव की उपासना कर सकता है। जब आप चारों तरफ से शत्रुओं से निराश हो चुके हों, बीमारियां बढ़ती जा रही हों, क्लेश उत्पन्न बहुत ज़्यादा हो और हर तरह से ब्लॉकेज आ रहे हों, हर तरह का बंधन हो, चाहे दुकान का बंधन हो, मित्र दूर हो रहे हों, रिश्तेदार दूर हो रहे हों, पारिवारिक संबंध बिगड़ रहे हों, दुकान धंधा ब्लॉक हो गया हो, बंधन आ गया हो, तो भैरव बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। बहुत आसान है और ये भैरव बीज मंत्र का जाप करने से कहीं से भी जो नकारात्मक ऊर्जा आपकी तरफ आ रही है ये आपके अंदर प्रवेश नहीं कर पाती। इससे आपका मन शरीर पूरी तरीके से कंट्रोल में बना रहता है। याद रखें, जब तक आपका मन मस्तिष्क नियंत्रण में है तब तक कोई भी समस्या आपको नहीं आती, लेकिन मन मस्तिष्क नियंत्रण से बाहर हो जाए तभी आपको समस्या आती है। अगर आपका अपने मन पर नियंत्रण है तो दुनिया की कोई भी समस्या आपको नहीं हो सकती। तो ये जो भैरव मंत्र का जाप करते हैं, ये जो भैरव बीज मंत्र का जाप किया जाता है, ये आपके पूरे मन को सुरक्षा प्रदान करता है हर तरीके से, कि किसी भी तरह की भावना का असर आपके मन पर विपरीत तरीके से नहीं होता, नकारात्मक तरीके से नहीं होता। तो भैरव बीज मंत्र बहुत ही उपयोगी है, हर व्यक्ति को करना चाहिए, और जो लोग देवी के उपासक हैं उनको भैरव बीज मंत्र का अभ्यास कंपलसरी है, उन्हें तो करना ही चाहिए। आइए जानते हैं इनका अभ्यास कैसे करें। ढेर डाले वस्त्र पहनकर किसी भी शांत कमरे में बैठ जाएं। अगर आप जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं तो किसी कुर्सी पर या सोफे पर शांत होकर बैठ जाएं। आप किसी भी आसन में बैठ जाएं। दोनों आंखों के बीच में ध्यान करते हुए 10 बार प्राणायाम करें, यानी जोर से सांस खींचे और रोके, यानी इस तरीके से 10 बार आप प्राणायाम करें। 10 बार प्राणायाम करने के बाद भैरव सुरक्षा बीज मंत्र, ब्रह्म भैरवाय ब्रह्म, ब्रह्म भैरवाय ब्रह्म, ब्रह्म भैरवाय ब्रह्म, ये बीज मंत्र का उपासना जाप करें, धीमी आवाज में जाप करें। और इस बीज मंत्र का आपको 21 माला, अगर आप किसी माला से मंत्र का जाप करते हैं तो काली हकीक की माला, रुद्राक्ष माला से इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। बिना माला के अगर इस मंत्र का जाप करना चाहते हैं तो 21 दिन तक आधा घंटा रोज इस मंत्र का जाप करें, 22वें दिन किसी को फल या भोजन का दान कर दें। ये जो मंत्र है आपके शरीर के चारों तरफ एक प्रकार का सुरक्षा घेरा तैयार करता है और आपका जो मणिपुर चक्र है इसे मजबूत करता है। मणिपुर चक्र ही वो माध्यम है जिसके द्वारा बाहर की नेगेटिव नकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश करती है। अगर आपका मणिपुर चक्र, ये जो ये भाग है, ये सुरक्षित हो जाता है तो बाहर की कोई भी चीज़ आपके मन मस्तिष्क पर हावी नहीं हो पाती। तो आपके मणिपुर चक्र को ये जो बीज मंत्र है सुरक्षा प्रदान करता है, इससे आपके पूरे शरीर की सुरक्षा हो जाती है। तो आप स्वयं इसका अनुभव करें और देखें, आपको आश्चर्यजनक लाभ दिखाई देगा। इसको किसी भी शनिवार ग्रहण या अमावस्या से इस बीज मंत्र का अभ्यास शुरू किया जा सकता है, सूरज डूबने के बाद से। लेकिन इसके पहले इसके कुछ नियम हैं वो जान लें। आइए जानते हैं इसके कुछ नियम। अपनी पूरी श्रद्धा बनाए रखें। इस मंत्र को गृहस्थ सन्यासी कोई भी जप कर सकता है। इस मंत्र से शरीर में अत्यधिक गर्मी पैदा होती है, इसलिए ढीले ढाले वस्त्र पहनकर अभ्यास करें। महिलाओं को सम्मान दें। पति पत्नी अगर इस मंत्र का अभ्यास करें तो 10 गुना ज्यादा लाभ मिलेगा। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, बेरोजगार हैं या विद्यार्थी हैं, गृहिणी हैं, तो इस मंत्र को पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप व्यापार कर रहे हैं, कला के क्षेत्र में हैं, तो इस मंत्र को पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट से जुड़े हैं या बैंकिंग क्षेत्र, मेडिकल क्षेत्र, होटल के व्यवसाय के क्षेत्र में हैं, तो इस मंत्र को उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके जपना चाहिए।
अगर आप जमीन खरीदने बेचने का कार्य करते हैं, खेती का कार्य, लोहा, कोयला, चमड़ा तथा तेल के क्षेत्र में, या कोई ऐसा कार्य करते हैं या कोई ऐसा क्षेत्र जिसमें ब्रोकरेज या दलाली लेनी पड़ती हो या देनी पड़ती हो, तो इस मंत्र को दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जपना चाहिए। इस मंत्र का जाप 18 वर्ष के ऊपर कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है। याद रखें, जब भी आप कोई अच्छे कार्य की शुरुआत करते हैं या संकल्प करते हैं, तुरंत कोई न कोई अड़चने आनी शुरू हो जाती है, इसलिए प्रबल संकल्प के साथ अभ्यास करें। इस मंत्र का जाप सूर्यास्त के बाद करना चाहिए। धूम्रपान, मद्यपान, व्यसन, मांसाहार से बचें। ब्रह्मचर्य का सख्ती से पालन करें। मासिक धर्म की समस्या में महिलाएं 3 से 5 दिन का गैप करके फिर आगे कंटिन्यू कर सकती हैं। अभ्यास समाप्त होने के बाद अश्विनी या वज्रुली मुद्रा अवश्य अपनाएं। यह मुद्रा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद करती है। अश्विनी या वज्रुली मुद्रा क्या है यह जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। आशा है आप अपने जीवन में हमेशा खुश रहेंगे।